हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टू फ्लेवर। आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल दाल तड़का। बहुत ही इजी, सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, तो शुरू करते हैं इसे बनाना। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप अरहर यानी कि तूर डाल लिया है, जिसे मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसमें मैं 1.5 कप पानी डालने वाली हूँ, यानी जितनी दाल हमने यूज की है उसके 3 टाइम्स पानी हमें डालना है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 सीटी होने तक इसे हम प्रेशर कुक कर लेते हैं। और मीन टाइम में दाल के लिए हम मसाला बना लेते हैं। मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल के गरम होते ही हमें इसमें डालना है 1 इंच दालचीनी, 1 तेज पत्ता और गैस की फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों। सरसों को हम अच्छे से तड़कने देंगे और इसमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच जीरा, पिंच ऑफ हींग और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं और इसमें जाएगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हरी मिर्च यूज कर सकते हैं। इसे भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं लो फ्लेम पे। और जैसे ही हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमें इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। इसका कच्चापन दूर होने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। और अब इसमें जाएगा ग्रेटेड कोकोनट 1 चम्मच। कोकोनट से दाल में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, पर अगर आपको कोकोनट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हमें हल्का सा एरोमा आने तक भुनना है। और अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी, ये यहाँ पे ऑप्शनल है। इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। और अब इसमें जाएगी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला से दाल में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसे हम हल्का सा भून लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। और अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ टोमेटो। टोमेटो को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी से जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो जलेंगे नहीं और वो टोमेटो के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। टोमेटो को हमें सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाना है और तब तक पकाना है जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ने लगे। जैसे ही हमारा ये मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसमें जाएंगे दाल। दाल को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम पे कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और 1 इंच इमली का टुकड़ा। अगर आपको खट्टी दाल पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब दाल की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। जैसी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है इस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, पर गर्म पानी का ही यूज करें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, अच्छे से पकाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रेड करते हैं। और अब हम दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल लिया है। अगर आप घी में तड़का बनाते हो तो आप घी यूज कर सकते हैं। ऑयल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। और जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हमें इसमें डालना है थोड़ी सी सरसों। सरसों को अच्छे से चटकने देना है। और अब इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच जीरा, पिंच ऑफ हींग, थोड़ा सा करी पत्ता और 2 लाल साबुत
लाल मिर्च। हमारा तड़का अच्छे से पक गया है और अब ये तड़का जाएगा हमारी दाल में। हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है और उसके ऊपर तड़का डाल के हम इसे अब गरम गरम सर्व करते हैं। हम इसे रोटी, चपाती या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं।